सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बड़े दिनों के बाद आए हैं माइनक्राफ्ट में। वैसे तो लास्ट माइनक्राफ्ट वीडियो में मैंने कहा था हम करने वाले हैं पार्कौर, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है और आज हम करेंगे एमएलजीज, हर तरह के एमएलजीज। कुछ दिन पहले मैंने एक एमएलजी की थी जिसमें था क्राफ्टिंग एमएलजी इन द एयर। सो मैं वही एमएलजी साथ करने वाला हूँ और भी तरह की एमएलजीज हैं जो कि हम पॉकेट एडिशन में कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो ना मुझे यहाँ, मैं इसको नहीं, यहाँ से इन्फिनिट को फ्लैट करता हूँ। शो कोऑर्डिनेट्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स, क्योंकि मैंने सर्वाइवल में जाना है। और हाँ, जल्दी से अभी हम करते क्या हैं, वर्ल्ड का नाम रखते हैं एमएलजी और हम क्रिएट करते हैं, देखते हैं कहाँ स्पॉन होते हैं। सो गाइस, अभी हम वर्ल्ड में आ चुके हैं और आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी स्किन क्यों बदली हुई है। सो गाइस, मेरा मोबाइल जो है ना, बड़ी दफ़ा रीसेट होता है, इस वजह से मेरी स्किन बदली होती है। बाय द वे, सबसे पहले तो हम जो है ना 100 माइनस 60 पे हम जाते हैं सीधा 50 पे। सो जल्दी से मैं ना इसे 50 पे लेकर जाता हूँ। जैसे ही 50 हो जाएगा ना, मैं छोड़ दूँगा। तो उससे क्या होता है कि ना, अगर आप हे बेल के ज़रिए एमएलजी करते हो तो आप जो है ना सीधा उस पर रुकते हो हाफ आर्ट पे। ये आपको पता होगा, 100 ब्लॉक्स की एमएलजी से आप हाफ आर्ट पे रुकते हो अगर आप हे बेल कर रहे हो तो। मैं डबल क्लिकिंग कर रहा हूँ लिटरली। और हाँ, 51 से ज़्यादा होगा। अभी हम यहाँ पर थोड़े से ब्लॉक्स लगाते हैं। अब यहाँ 9 3x3 का मैंने एक कॉर्नर बना लिया है और इसके नीचे एग्जैक्ट हमारा इधर हमें एक छेद करना है। यहाँ हम रखते हैं ट्रैप डोर ताकि हम एक चीज़ को नीचे फेंक कर एमएलजी कर पाएँ। और यहाँ मुझे लगानी है एक क्राफ्टिंग टेबल। सो लेट मी ऐड इट, ये लग गई और नीचे से हम ब्लॉक तोड़ गए। तो पहली एमएलजी हम करने वाले हैं, पहली तो वाटर बकेट से, ठीक है, पर हम उसे वाटर बकेट को हम थ्रो कर देंगे नीचे ट्रैप डोर के ज़रिए। सो लेट स्टार्ट, बस मुझे एक बार सर्वाइवल में होने हैं। ऑन होती है तो मैं बताता हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैं यहाँ सर्वाइवल करता हूँ और यहाँ पर जो है ना, मुझे अपना पहले तो स्पॉन पॉइंट सेट करना है ताकि जो है ना, मैं अगर नीचे डायो हूँ तो मैं कम से कम ऊपर आ जाऊँ। सो थोड़ा सा टाइम लगता है पूरा एक्टिवेट होने में, बट हो गया। अभी हम यहाँ पर नीचे, अगर आप हॉट बार पे अगर आप एक बारी क्लिक करी रखोगे तो ये ऐसे थ्रो कर देता है। अभी हम ट्रैप डोर, हमारा हॉट बार पे भी उस पर आ गया, गिर जा। हाँ, व्हाट यार, अब वाटर बकेट पहले नीचे पहुंच गई है। कोई बात नहीं, हम एक निकालते हैं। गिव एट दी हे अंडरस्कोर ब्लॉक ब्लनक BL9 की। सो अभी मैं यहाँ पर इसे नॉर्मल वीट में कन्वर्ट करता हूँ। और अभी हमें क्या करना है कि ना, क्राफ्टिंग करनी है और नीचे जाकर उसको प्लेस करना है कि मेन जगह पर। यार, एक ही सेकंड मिलने वाला है। मैं जो है ना इसे हटा देता हूँ, ये मुझे बनाना तब करेगा। ओके, 3 2 1। यार मैंने क्लिक ही नहीं किया, वाटर बकेट पिक हो जाए ना, मैं उसी वक्त कर दूँ। एक मिनट इसे सेट किया हुआ क्राफ्टिंग टेबल को, लो सेट ही नहीं है तो कैसे बनेगा। यहाँ ऐसे, चलो 3 2 1 को। यार नहीं बना, बहुत टाइम लगेगा, लगता है उतनी देर में वाटर बकेट डिस्पॉन हो जाएगी। इतनी वैसे इसी वजह से जो है ना, हमारा वो भी एमएलजी हो जाएगी दूसरी वाली। यार बनने लगा था के, मुझे लग रहा है चैट में फुल करके ही छोड़ूंगा। यार लिटरली मैंने हे बना ली, लिटरली सीरियसली। यार
अरे हे बेल, एक और बड़ी बना ली यार, प्लेस नहीं होती, ये बड़ा हार्ड है यार। ओके, एक और बारी बन चुकी है। ले, मेरा कैमरा ही आगे हुआ पड़ा है। ऐसे कर लो, 3-2-1 गो। फिर से बन गई, यस लग गई ना, और हमें हमारी वाटर बकेट मिल गई। ये अब हम किसी को ढूंढते हैं हमें यहाँ पर क्लीन करने के लिए। यस, स्लाइम स्लाइम स्लाइम, आजा आजा आजा, अभी हम वापस से MLG करते हैं। इस बारी हम दोनों फेंकते हैं, और ये गया और ये मैं आया। वैसे मैं चाहता तो हे बेल से करता, बाय द वे इसका तो काम तो है नहीं, ऐसे ही कर दिया मैंने। ओके, स्लैश किल, हम ऊपर पहुंच गए। अभी हम करेंगे स्लाइम से MLG। स्लाइम ब्लॉक आपको पता होगा वो बहुत ही बाउंसी ब्लॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्लाइम, बस स्लाइम ही दिखा। सो गाइस, एज यू कैन सी, ये होता है वो बाउंसी ब्लॉक। ये देखिए, मैंने छलांग लगाई और मैं खुद ऊपर उछल रहा हूँ, और अभी मुझे यहाँ इसे कन्वर्ट करना है इसमें। और हाँ, वैसे भी अगर मैं चाहूँ ना जल्दी कर सकता हूँ, यानी कि नहीं छोड़ दो यार, डरने लगा था यार। ओके, 3-2-1 गो। नहीं बना, नहीं बनता, बनता क्यों नहीं है। ओके, लेट्स सी, अब स्लाइम की तरफ। स्लाइम स्लाइम नहीं है, खोदेंगे फिर इसको, खोदेंगे फिर इसको, खोदेंगे यहाँ हम ब्लॉक नीचे टावर के जरिए। डैमेज ही नहीं मिला मुझे, किल ही कर लो, एक सबसे अच्छा है। लेट्स डू इट अगेन, 1 गो। नहीं हुआ, चलते हुए MLG नहीं हुई। मैंने प्लेस ही नहीं किया, नहीं हो रहा आपसे ही पॉसिबल है। मैंने किया था बल्कि अपनी वीडियो में किया, जो हुआ है वो क्यों नहीं हो रहा मुझसे। यार मैं क्यों बचा रहा हूँ खुद को, मैंने नहीं बचाना। किल, अबे यार मैंने डॉट स्लैश किल लिख दिया है। ये स्लैश पता नहीं क्यों डलवाना होता माइनक्राफ्ट वालों को। किसी को अगर इसका आंसर पता है ना कि स्लैश क्यों डलवाया जाता है, तो जो है ना मुझे ज़रा कमेंट्स में बताइए। यार क्या कर रहा था, एक सेकंड के लिए लगता है जैसे बन गया, बस हो गया। यार मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग करनी भी नहीं है, वरना ज़्यादा जो है ना लोगों को इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। सो ज़्यादा लोगों के, अगर लोग हैं वीडियोस अगर देखते हैं ना लोग, तो कोशिश किया जाए कि ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनाई जाए, लेकिन बस हालत ऐसी हो जाती है कि ना बनानी पड़ती है लंबी। यार बन जा, okay, थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं हुआ। इधर मैं ये जो है ना वॉल के नीचे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। इस बारी तो वही स्क्रोल आउट हो गया, ट्राई करते हैं यार इस बारी। प्लेस क्यों करना है मैंने भाई, यार भैया टाइम मिला था मुझे। अगेन अगेन इसी तरह करते हैं यार, बनता ही नहीं है, नहीं है। यार मैं देखने लग जाता हूँ कि गिरा भी है या नहीं। यार एक सेकंड लगा के बन गया,
यार पानी प्लेस होने वाला था। दरअसल जो है ना, मैंने पानी की बकेट इसलिए हाथ में रखी है कि ना मैं बचाऊँ ना, मैंने बचना नहीं है। मैं एक और चैलेंज कर सकता हूँ, मैंने इधर छलांग लगानी है, ये तो नहीं मुझसे क्राफ्ट होगा, छोड़ दो, एक और ट्राई कर लेते हैं। यार उस नीचे स्क्रॉल हो गया, एक और चांस यार, तो घर में कोई आया है, बेल बज गई। गाइस जस्ट एक मिनट, मैं ना बेल पे देख रहा था कौन है, इतना टाइम लग गया कि रात हो गई माइनक्राफ्ट में। कोई बात नहीं, हम फिर भी कर लेंगे। तो मैंने पॉकेट ले लिया हाथ में, मैंने हे बेल लानी थी, यह बंद क्यों नहीं रहा है, हे बेल आराम से क्राफ्ट हो जाती है, इसको स्लो हो रहा है। कल तक हो जाएगा ना, आई थिंक कल ही होगा, लगता तो ऐसे ही है। बाकी आप लोगों की राय क्या है मुझे नहीं पता। बाय द वे अब एक और ट्राई कर ले, अगर ये नहीं हुआ, अब ना हुआ ना, तो मैंने बस क्विट कर देना है, ये वाला लेवल अब क्विट है, बस क्विट, आई क्विट। सबसे पहले तो ना मुझे यहाँ पर अपना गेम मोड चेंज करना है, फिर यहाँ पर मुझे डे करना है, मून नहीं, डे, हाँ डे करना है, और अभी हम ये सारा बेच रहे हैं, मुझे नहीं करना ना, हार्ड है यार ये, पता नहीं मैंने एक, हाँ अब आ रही है एंडर पर्ल की, यस, और हम इससे अगला भी करेंगे जो कि होगा बेड से, यस। यहाँ पर ना मैं एक चेस्ट रखता हूँ ताकि जो है ना उसमें एक्स्ट्रा सामान रख सकूँ, और ये गया बेड। तो अभी जो है ना मुझे जाना है जल्दी से सर्वाइवल में, सो करते हैं अब अगली MLG। अब अगली MLG में हमें क्या करना है, यहाँ एंटरपल्स हैं, एंटरपल को नीचे डालते हैं, ओ नो अब नहीं होगा, अब नहीं हो पाएगा वो, अब बेड से कर लेते हैं। मैंने प्लेस कर दिया बेड, नीचे जाना पड़ेगा, एक ऐसी एंडर कर लेते हैं, रुको एक मिनट, ये वेटर एटी एंडर अंडरस्कोर पर्ल, तो अगर मैं इधर से करूँ, ये क्या किया मैंने, दे दे डंडा, बदले मैं यही MLG वापस से करना चाहूँगा, वो भी लास्ट टाइम, ठीक है, उसके बाद वीडियो एंड भी करनी है, बहुत लंबी हो रही है। वाह ये क्या MLG थी, लास्ट MLG समझ लो भाई इसे, लेकिन करवा दो, फेंक दी, अभी हम इसको ऑन हो रहे, मैंने पकड़ ली थी, ओके अगेन करते हैं,
यार ये क्यों इतना हार्ड है? वैसे भी कैसे, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना और बताना कि क्या लगी मेरी वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। अगली MLG से हम अगली वीडियो में कर लेंगे और उससे अगली वीडियो पार्कौर, क्योंकि पक्का वादा।